हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। अभी सुबह की 8 बज रहे हैं क्योंकि आज रात भर बारिश दिया था। कि अभी बाहर का रिएक्शन कैसा है मैं आप सबको दिखाने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि रात भर बारिश दिया है, क्योंकि अभी तक बारिश आ रहा है। कि अभी चेन्नई तमिलनाडु में बहुत ही बारिश तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि मैं अभी बाहर में आप सबको दिखाने जा रहा हूँ कि बाहर का रिएक्शन कैसा है, बाहर का हाल कैसा है, मैं आप सबको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और मेरा साथ है जीतू, और आप सब मेरे ये ब्लॉग पर आज बनते रहिए कि बाहर का कैसा रिएक्शन है, मैं आप सबको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि रास्ते पर पूरा पानी पानी हो गया है। वो देखिए इधर का, अभी तक बारिश है। क्योंकि बहुत तेज़ से बारिश दिया था रात भर, क्योंकि बहुत पानी हो गया होगा शायद रास्ते पर, और मैं आप सबको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। देखिए ये कुत्ते लोग हैं। ये बाहर का नज़ारा देखिए, और इधर में एक बिल्डिंग बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है इधर में। देखिए सब ये टावर, ये चेन्नई में है। और ये भी अपना गर्लफ्रेंड से बात कर करके आ रहा है। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं। देखिए बाहर का नज़ारा कैसा है, बाहर का कंडीशन कैसा चल रहा है। सब तो रास्ता पर पूरा पानी पानी हो चुका है, क्योंकि पूरा फ्लड हो चुका है। अभी देखिए मैं आप सबको बैक कैमरा से दिखा रहा हूं, अच्छे से देखिए। देखिए पूरा पानी पानी हो गया है, क्योंकि अभी गाड़ी लोग जाने के लिए इतना तकलीफ हो रहा है। देखिए सब तरफ देखिए पानी पानी इतना हो गया है, पूरा फ्लड हो चुका है अभी तमिलनाडु में। ये एगातूर नावालूर के सामने में है। देखिए इतना तकलीफ हो रहा है गाड़ी जाने के लिए। देखिए देखिए रात भर बारिश दिया था और इतना ज़्यादा पानी जमा हो गया। देखिए ऑटो लोग कैसे जा रहा है। ये जो है तमिलनाडु में नावलूर के सामने में है। इतना ज्यादा पानी हो गया, ओह माय गॉड। अभी बाहर का सिचुएशन बहुत ही ख़राब चल रहा है चेन्नई का, क्योंकि रात दिन बारिश दे रहा है, क्योंकि ये फ्लड हो चुका है अभी तमिलनाडु में। देखिए कितना बारिश है, देखिए हर गली में पानी पानी हो गया। देखिए मेरे हाथ में अभी तक छाता है, क्योंकि बारिश आ रहा है, अभी भी बहुत ज़ोर से बारिश आ रहा है। अभी तक मेरे हाथ में छाता है, क्योंकि मैं भीग जाऊँगा ना, इसलिए छाता लेके आया हूँ। देखिए ऐसा होने से कैसा होगा, ओह माय गॉड, बचा लो। रात भर बारिश दिया था और कुछ लोग बता रहे थे कि पूरा बाहर में पूरा रास्ते पे रोड पर पूरा पानी पानी हो चुका है। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं एक ब्लॉग बना दूं, क्योंकि मैं आप सबको दिखाने के लिए भी आया हूं। और अच्छा से देखिए, क्योंकि अभी चेन्नई का कंडीशन ऐसा चल रहा है, ऐसा बारिश का मौसम भी है। सो गाइज मैं अभी थोड़ा आगे जा रहा हूँ कि आगे तक आप सबको दिखाने के लिए कि कैसा है, कैसे कंडीशन चल रहा है, कैसे सिचुएशन चल रहा है। मैं अभी और आगे जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही सब लोग बता रहे हैं कि बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है गाड़ी लोग को जाने के लिए, गाड़ी बस गाड़ी लोग हर चीज़ गाड़ी लोग जाने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रहा था।
तो मैं फिर थोड़ा आगे जा रहा हूँ कि आगे तक कैसा है, सिर्फ इधर ही है ना, थोड़ा आगे तक है, तो मैं इसे कन्फर्म करने के लिए थोड़ा मैं आगे जा रहा हूँ। बारिश का मौसम है, कैसे जाएगा, देखिए पूरा बारिश हो रहा है, हर गली गली में पानी हो गया है, हर गली में ये, अभी कैसे जाएगा, आप इधर से जा सकते हैं आराम से जाइए, उधर में ज़्यादा पानी है, वो जो नावलूर का टोल गेट है ना, उधर में रास्ता को ब्लॉक कर दिया है, पानी ज़्यादा पानी हो गया। देखिए ये जो दीदी है वो काम में जा रहा है ड्यूटी में, क्योंकि बहुत रास्ते में बहुत पानी भी है और जाने के लिए उसको बहुत मुश्किल हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, इसीलिए हम मुझे पूछ रहे थे वो कैसे जाएगा, जैसे भी जाना ही है। और वाह, मैं पूरा भीज गया हूँ, देखिए पूरा भीज गया, इतना पानी है, मैं पूरा भीज गया हूँ। हाँ पूरा पानी है, कैसे जाएगा आप, और उधर नावलर तरफ में तो और ज्यादा पानी है बोल रहा है, अभी उधर में रास्ता जो है ना पूरा ब्लॉक हो गया। देखिए इतना सारा पानी जमा हो गया, एक रात में इतना बड़ा बारिश दिया था, और देखिए इतना सारा पानी जमा हो गया है, पूरा रास्ता को पूरा ब्लॉक हो गया है, जाने की इतना तकलीफ हो रहा है। देखिए और मेरा रूम में भी पूरा पानी हो चुका है, देखिए ये भी सब तरफ पानी है, और इधर में कुछ लोग रहते थे काम करने के लिए, उस लोग का घर के अंदर में भी पूरा पानी हो गया है, देखिए पूरा पानी हो गया है, पूरा बनपानी हो गया है, फ्लड हो गया है चेन्नई में, अंदर में पूरा पानी घुस गया है क्या भैया, अंदर में ज़्यादा पानी है ना। वाह देखिए गाइस इधर का कंडीशन, अंदर घर का अंदर में पूरा पानी है, पानी घुस गया रात में, इस तरह भी पूरा पानी होगा ना, मालूम नहीं, वो दोनों रूम बंद है। कैसे इस तरह खाना होना, कैसे खाएगा, कैसे बनाएगा, तीन से कल भूख, आज भी भूख, सोया भी नहीं, सोने के लिए भी जगह नहीं, तो उसको बोलना है ना, क्या बोलूंगा, बोल हाउस ओनर को, ऊपर आने के लिए बोल, ऊपर तो दरवाजे पर कुछ नहीं। ये जो मेरा साथ में एक भैया है, उसका रूम में पूरा पानी घुस चुका है, उसको खाना पीना खाने के लिए इतना तकलीफ हो रहा है। मेरा यूट्यूब चैनल है, हाय कर दीजिए, हाय। ये जो भैया का रूम में पूरा पानी हो गया अंदर में, मैं अभी जस्ट आया हूँ ड्यूटी से, देखा तो पूरा घर के अंदर में पूरा पानी है, ठीक है भैया। देखिए ऐसा सिचुएशन चल रहा है, ऐसा कंडीशन चल रहा है बाहर का, पूरा पानी हो गया यार। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, बाहर का कंडीशन सिचुएशन कैसे आप लोग ने देख लिया, और आगे कैसा रहेगा मैं आप सबको अपडेट देते रहूँगा, और ऐसे चल रहा है बाहर का कंडीशन सिचुएशन, क्योंकि रात भर बारिश दिया था और मैं भी अभी तक गया नहीं हूँ, और देखिएगा, और अभी तक बारिश दे रहा है लेकिन और आज दिन में और रात तक क्या होगा पता नहीं, जैसा होगा मैं फिर कल भी मैं आप सबको ऐसे ही ब्लॉग बनाकर आप सब तक मैं पहुँचाऊँगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और तब तक के लिए बाय बाय, मिस यू, टेक केयर।